और बड़वानी में स्वसहायता समूह की महिलाओं के ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सुधा बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आत्मनिर्भर बनने की कहानी बताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुधा बघेल की बात सुनने के बाद उसकी सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुधा बघेल ने बताया कि नेशनल स्तर पर प्रशिक्षण लेने के बाद वो खुद अन्य राज्यों में प्रशिक्षण देने गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी को सुधा बघेल से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि सुधा जैसी महिलाओं से अन्य महिलाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने पूरे प्रदेश में 300 करोड़ और बड़वानी जिले के स्वसहायता समूह को करीब 4 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। यहाँ पर सीएम बैठक में सीएम जी ने हमको पूछा, भैया जी ने, कि दीदी आप क्या काम करते हो, कैसे आत्मनिर्भर बने हो। तो जैसे हमने हमारे आजीविका मिशन से प्रशिक्षण बार बार लिया और हमारे आजीविका मिशन ने हमारा चयन करवाया नेशनल सीआरपी में, तो मैंने अदर जिले में, जैसे हमारे जिले में तो मैं प्रशिक्षण देती थी, पर अब बाहर राज्यों में, अन्य राज्यों में प्रशिक्षण देती हूँ और वहाँ पर प्रशिक्षण देते देते वेरी नाइस। तो वो मैंने भैया जी को बोला कि वेरी नाइस मैंने सीखा। मैं कम पढ़ी लिखी दीदी थी, मैं सोचती रहती थी कि वेरी नाइस किसको बोलते हैं, पर वहाँ से मैंने प्रशिक्षण दिया और मैंने कुछ सिखाया भी उनसे, उनको और उनसे भी मैंने सीखा, तो वेरी नाइस। तो मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेरी नाइस कह के मेरा सम्मान किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वसहायता समूह को करोड़ों रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई है और आज हमारे जिले की सुधा जो सरगांव की रहने वाली है, राजपुर विकास खंड की, और इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो अपनी सफलता की कहानी सुनाई वाकई में बड़ी प्रेरणादायी है। वो हमारे बड़वानी जिले का भी नाम रोशन कर रही हैं और उनके द्वारा जो नेशनल लेवल पर जो ट्रेनिंग लेकर के और दूसरे राज्यों में भी ट्रेनिंग वाला काम कर रही हैं। एक गांव से कम पढ़ी लिखी महिला के लिए मैं जानता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो नहीं सकती है। मैं सभी बड़वानी जिले की महिला समूह को सुधा से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की अपील करता हूं कि यदि महिला ठान ले तो हम अपने जिले को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को